हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रेडमी वाई टू स्मार्टफोन का हैंग आने लोगों प्रॉब्लम की समस्या को मैं ठीक करने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसे ऑन कर रहा हूं तो रेडमी लिख रहा है, इसके बाद एमआई यूआई वर्जन पे अटक जा रहा है। दो घंटा, चार घंटा, आपको पाँच घंटा, छः घंटा वेट करने के बाद भी यह ऑन नहीं हो रहा है। इसी तरह से एमआई का लोगो आता रहता है। तो आपको क्या करना है, तीनों बटन सबसे पहले लगातार दबा के रखना है। जैसे फ़ोन होता ऑफ होता है, आपको आवाज़ घटाने वाली बटन को दबा छोड़ देना है और आवाज़ बढ़ाने वाली बटन और पावर बटन को दबाए रखना है। इसके बाद पहले पावर बटन, तब फिर आपको वॉल्यूम अप बटन दबाना है। यानी कि जैसे फ़ोन बंद होता है, आपको पहले आवाज़ घटाने वाली बटन छोड़ना है और दोनों बटन को दबाए रखना है। फिर थोड़ी देर बाद आपको पावर बटन को छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन दबाए रखना है। तो हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाएगा, यानी हम इसे रिसेट करेंगे। यहाँ पर आप रिसेट करने के बाद पहला ऑप्शन है रिबूट का, दूसरा है वाइप डाटा, तीसरा है कनेक्ट विद एमआई असिस्टेंट का मतलब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप इसको केबल के माध्यम से कंप्यूटर से कर सकते हैं। यहाँ पर हम विदाउट कंप्यूटर और विदाउट सॉफ्टवेयर इसको करने वाले हैं। किसी किसी फ़ोन में ऐसा होता है कि इसका MMC प्रॉब्लम हो जाता है, जो हमारा प्रोसेसर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हैंगर लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो उसमें आप रिसेट करेंगे तो भी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर करेंगे तो भी नहीं होगा। अगर हालांकि अगर आप में कि फ़ोन में छोटा मोटा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से फ़ोन आपका हैंग एंड लोगो आ रहा है, तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, हम वॉल्यूम अप डाउन बटन के सारे इससे जाते हैं वाइप डाटा में, पिछले वाले ऑप्शन में फिर पावर बटन से ओके करते हैं। इसके बाद वाइप ऑल डाटा, बैक मेनू। अगर आप वाइप डाटा करना है तो आपको पावर बटन दबाना है, अगर बैक करना है तो इस पर क्लिक करके पावर बटन दबा देंगे। हालांकि मुझे वाइप ऑल डाटा करना है, तो वाइप ऑल डाटा पर हम वॉल्यूम अप डाउन बटन से इससे जाएंगे और हम इसको पावर बटन से ओके करेंगे। एक बार और कराए कि आप श्योर हैं फॉर्मेट करने के लिए, क्योंकि इससे आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो हम इसे कन्फर्म है, इसको कन्फर्म ओके कर देना है। इसके बाद देखिए डाटा वाइप सक्सेसफुली हो गया, पावर बटन एक बार दबाना है और यहाँ पर रिबूट सिस्टम पहला वाला है ऑप्शन, रिबूट पर पावर बटन ओके कर देना है और रिबूट सिस्टम एक बार और पावर बटन दबा देना है। और आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है इसे कंप्लीट ऑन होने तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और वीडियो से आपको मदद मिलती है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, जो बगल में घंटी का ऑप्शन होता है उसे ऑन करने से क्या होता है कि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी कि हमारे चैनल के द्वारा एक नई वीडियो आ गई है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो उसे देख लीजिएगा, नहीं हेल्पफुल लगे तो मत देखिएगा, अब वो आपके ऊपर है। हालांकि अगर आप हालांकि आपको हमारे वीडियो से मदद मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम 2 से 3 मिनट तक वेट करते हैं। तो एमआई यूआई वर्जन हमारा लिखा हुआ है और ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट तक रुकेगा, क्योंकि हमारा कोई भी फ़ोन आप नॉर्मली फॉर्मेट करेंगे तो आपको कितना समय इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको ऑन होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा फ़ोन अब ऑन हो रहा है, जस्ट 1 सेकंड लिख रहा है और हमारा MIUI वर्जन 12 अपडेटेड है और हम से कम 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा है। अब हमारा देखिए फ़ोन हैंग नहीं हो रहा है, हमारा ऑन हो गया है, कंप्लीट ऑन हो चुका है। सिंपली इसका सेटअप करना है, क्योंकि किसी भी फ़ोन का भी सेट करेंगे उसका सेटअप करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको इसमें कोई वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें जो है कि मोबाइल डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सेटअप करने के लिए। अगर आप में फ़ोन में स्किप करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी आपका इंटरनेट और वाईफाई का स्किप हो रहा है, इसका मतलब आपको फ़ोन में जो है कि FRP लॉक नहीं होता है, जिसका संकेत होता है कि इस साइड में लॉक दिखाता है छोटा सा, जिससे कि ये पता चलता है कि आपके फ़ोन में ईमेल आईडी के साथ स्क्रीन पासवर्ड जरूर लगाया गया था दोनों, इसलिए हमारा जो कि FRP लॉक मांगता है। हालांकि इसमें हमारा लॉक नहीं दिखा रहा है, तो हम इसको सिंपली सेटअप कर लेंगे और हम इसे आराम से ऑन कर पाएंगे। यहाँ पर इंस्टॉलिंग अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है।
यहाँ पर हमारा देखिए मोबाइल डाटा ऑन हो गया है। इस चेकिंग पर अपडेट का मतलब है कि हमारा इसमें मोबाइल डाटा ऑन हो गया है और अभी कॉर्नर में लॉक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ना ही स्क्रीन वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई ईमेल आईडी वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके फ़ोन में ईमेल आईडी या वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है या फिर स्क्रीन वेरीफिकेशन करने का ऑप्शन आ रहा है और आप उसे वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आपको FRP बाईपास करने का वीडियो देखना पड़ेगा। इसके लिए अलग से आपको वीडियो YouTube पर मिल जाएगी। यहाँ पर डोंट कॉपी वक्त ऑप्शन चुनते हैं एंड यहाँ पर आप जो है कि चेकिंग इन्फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर ना ही कोई स्क्रीन लॉक मांगा है और यहाँ पर ईमेल आईडी की जगह साइन इन करने का है। यहाँ पर लिखा रहता है वेरीफाई योर अकाउंट, तो आप क्रिएट अकाउंट और स्किप का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर स्किप का ऑप्शन का मतलब है कि आप ईमेल आईडी अभी नहीं देना चाहते। क्रिएट अकाउंट का मतलब कि आप अभी ईमेल आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर मतलब है कि आप कोई भी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्किप कर लेते हैं और स्किप एक बार और कर लेते हैं। इसके बाद गूगल सर्विस हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। गूगल सर्विस एक्सेप्ट हो गई तो अगला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम इसको आसानी से सेटअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन इन योर MI अकाउंट, और ख़ास ख्याल रखना है आपको कि आपको मोबाइल में MI अकाउंट नहीं डाला गया है तो स्किप कर सकते हैं। अगर डाले हैं तो उसको भी वेरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर MI अकाउंट इसमें डाला नहीं गया है तो इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करते हुए चूज थीम पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं और सेटअप कंप्लीट और फाइनली एक बार क्लिक कर लेंगे और हमारा फ़ोन सेटअप हो जाएगा। इसमें आपको 10 से 15 सेकंड का समय लग जाएगा। जैसा ही हमारा फ़ोन वेरीफिकेशन हो जाता है हम इसको कंप्लीट ऑन कर पाएंगे और इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा लगभग 10 सेकंड हो गया है, 10 सेकंड या 5 सेकंड और इंतज़ार करना है। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट पर लोडिंग एप्स का मतलब इसके अंदर जो भी कंपनी से ऐप दिया गया है चाहे वो गूगल क्रोम हो चाहे कोई भी। अब 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक 2 सेकंड में हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा फ़ोन अब देखिए ऑन हो गया है और 1 सेकंड और वेट कीजिए स्क्रीन को ऑन कंप्लीट खुलने तक। देखिए तो हमारा सारा लॉन्चर खुल गया है। अब हम इसे यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो गया है। इसको हम दोबारा वेरीफाई करते हैं कि हमारा फ़ोन हैंग हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर करते हैं रिबूट, यहाँ पर पावर बटन दबा के रखते हैं इस तरह से, पावर बटन दबा के रखिए, रिबूट सिस्टम कीजिए यानी फ़ोन को बंद करके स्टार्ट कीजिए और देखिए कि हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जा रहा है या नहीं, या फिर भी हमारा 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए हमारा जो है कि स्क्रीन रुक जा रही है। तो हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन लगभग 15 से 20 सेकंड के खुल जाएगा। या फिर देखिए जैसे रेडमी आता है इसके बाद हमारा MIUI वर्जन आएगा जो कि कट लगभग 10 सेकंड के अंदर पास कंप्लीट हो जाएगा, तो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा और हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जाएगा। यहाँ पर फ़ोन हमारा देखिए लगभग 1 मिनट के अंदर बंद भी हो गया और चालू भी हो गया, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका सॉफ्टवेयर कहीं भी हैंग भी नहीं कर रहा है। हालांकि अब इसके ऊपर आप अलग से ऐप डालेंगे इस पर लोड बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत हैंग करेगा, लेकिन आपका हैंग आने लोगों का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं खुल गया है हमारा फ़ोन। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।